अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। ये अभी जैसे कि आपको पता है कि टूर्नामेंट हुआ था हार्ड बॉल का हमारा, तो आज उसी के बस ये ट्रॉफी वगैरह का दिखा रहे हैं कि ये ट्रॉफी वगैरह है फाइनल मैच की, और ये दो कैप्टन बैठे हुए हमारे टूर्नामेंट के दोनों फाइनलिस्ट है। अब इनसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे जो बताएंगे टूर्नामेंट के हवाले से। तो उसामा भाई, आपसे पहला सवाल ये कि टूर्नामेंट का आप लोगों ने आगाज़ करवाया, तो इससे मतलब कि क्या मकसद है टूर्नामेंट करवाने का और क्या कुछ इसमें हासिल हुआ आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात ये था कि टूर्नामेंट कराने का मकसद सिर्फ इतना था कि बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं इलाके के, तो उनको चांस मिलना था, उनके मतलब जो टैलेंट था हमारा तो वो दिखाना था वो बच्चों का, तो उसी मकसद को मद्देनजर रखते ये रजब भाई और अहमद भाई की कोशिशों से ये टूर्नामेंट कराया गया, जो कि लगातार दो महीनों से चल रहा था। अब जाके उसका फाइनल डन किया है 9 नवंबर एट पार्क प्ले ग्राउंड में, और दोनों इलाके की ही टीम है माशाल्लाह से। सबसे अच्छी बात यह है दोनों इलाके की टीम है, और ये है कि सुबह 9 बजे 9 नवंबर को एट पार्क प्ले ग्राउंड में इंशाल्लाह टूर्नामेंट का फाइनल स्टार्ट हो जाएगा। और उवेश भाई, जैसे कि टूर्नामेंट का इन्होंने मकसद बता दिया, अब आप टीम वगैरह का बता दें कि दोनों टीमें अच्छी हैं, हमने देखा पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते आई हैं, तो आप बताएं कि आपकी टीम कैसी और अगेंस्ट टीम कैसी है, फाइनल के हवाले से मुकाबला अच्छा होगा या वन साइड, किस तरह से आप देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है, और ये कि दोनों टीम्स जो हैं वो लेवल हैं, यानी कि दोनों टीमों में बॉलर्स भी अच्छे हैं बैट्समैन भी अच्छे हैं, और दोनों जैसे टीमें शुरू से ही अच्छा अपने आप को लेते हैं, लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कि जो बच्चे हैं हमारे वो ये है कि ये सीनियर प्लेयर हैं जो हमारे, उनको देख के अच्छा हो रहा है इनको, और इम्प्रूव हुआ है उनका गेम भी, और ये कि बस जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा फाइनल। चलें ठीक है। और उसामा भाई, जैसे कि अभी ये पहला टूर्नामेंट है, अब आगे के क्या प्लान्स है, किस तरह आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को? जैसे कि पहला टूर्नामेंट अच्छा हुआ, बाहर की टीम भी आई, उन लोगों ने भी अच्छा ही खेला होगा खैर, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा अच्छा खेला, आप लोग फाइनल में हैं, अब आप आगे किस तरह देख रहे हैं टूर्नामेंट का अंदाज, मतलब कि क्या प्लान्स हैं आपके आगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये है कि अभी तो ये एक छोटे पैमाने का टूर्नामेंट था, कि एक ट्राई था कि बहुत टाइम से एक कोई इवेंट नहीं हुआ था बच्चों के लिए, चाहे वो हम हो चाहे बच्चे हो, उनके लिए एक इवेंट हुआ ही, और अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाब भी हो चुका है कि अब फाइनल तक आ चुकी है कहानी। अब इंशाल्लाह जैसे ही ये खत्म होगा तो उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह एक बड़ा टूर्नामेंट भी कराने का सोचा होगा इंशाल्लाह, अगर भरपूर साथ देना हमारे सीनियर्स भी जो है तो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ये खत्म होने के बाद, तो उसके बाद ये है कि कोशिश पूरी है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह, उसमें और मजीद जितनी जो कमियां रह गई है वो पूरी होंगी और बेस्ट से बेस्ट इंशाल्लाह होगा। चलें ठीक है, जज़ाकअल्लाह। अब इंशाल्लाह आपको मतलब कि कल फाइनल है 9 नवंबर को और पार्क फ्लैग ग्राउंड में, तो अब जैसे कि फाइनल का व्लॉग भी बन जाएगा, फाइनल का व्लॉग जो बनेगा इंशाल्लाह वो कल बनेगा, अब वो फिर आगे आपको पता चल जाएगा कौन जीता और किस तरह से मुकाबला हुआ, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ बेस्ट बॉलर की भी ट्रॉफी है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की भी और बेस्ट बैट्समैन की है, तो वो सब इंशाल्लाह व्लॉग में आपको अगले पता चलेगा कि किसको क्या अवार्ड दिया गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जाने से पहले ये कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।